सो हे व्हाट्स अप गाइस, शुरू करते हैं एमी वे से। तो जैसे कि उनका एक शो था जयपुर में, बट कुछ फैंस को क्लब में एंट्री नहीं मिली थी, तो उसके ऊपर एमी वे का कहना है, इट हैज कम टू माय नोटिस दैट द जयपुर शो आई डिड द क्लब डिनाइड एंट्रीज टू माय फैंस। मी एंड माय टीम इज एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक फॉर व्हाट हैज हैपेंड। आई वुड पर्सनली वांट एवरीवन हु हैड बॉट अ टिकट टू माय शो टू कम टू द नेक्स्ट वन। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय मी। व्हाटएवर हैपेंड हैज मेड मी एक्सट्रीमली अपसेट। आई लव माय फैंस एंड वांट टू गिव देम द शो एक्सपीरियंस आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। अगली न्यूज कृष्णा की तरफ से, तो उनके नो कैप सॉन्ग ने 10 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर दिए। तो इसी के ऊपर कृष्णा ने रिएक्ट करते हुए अपनी स्टोरी में लिखा है, कांट वेट टू परफॉर्म दिस ऑन 27th इन पुणे। अगली न्यूज बादशाह की तरफ से, तो उनका अपनी स्टोरी पर कहना है, हम तब से परमाणु थे जब से ये शुक्राणु थे। लिखाई पे डाउट मत करना कभी। यू हियर व्हाट आई चूज यू टू हियर। एनीवेज हमारी अगली न्यूज है एमसी स्टैन की तरफ से। तो साहिल खान ने स्टैन का डायलॉग बोलते हुए एक स्टोरी डाली है। ₹80,000 के जूते हैं ये एमसी स्टैन के स्टाइल में। 80,000 बेबी। साथ ही में गौतम विग जो अभी बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं, तो उनका एक इंटरव्यू आया जहाँ पे उन्होंने एमसी स्टैन के बारे में बात कर रही थी। तो स्टैन की जो लड़ाई हुई, आपने उसे बहुत करीब से देखा, आपका क्या इनसाइट है, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी? ऑफकोर्स स्टैन की गलती थी, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया उसे एविक्ट कर दो, और उसके बाद एविक्ट हो भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जिसका चेहरा या सिर जाना था वो तो चला ही जाता। नेक्स्ट अपडेट इक्का की तरफ से, तो कल उनका एक शो था, तो उसकी कुछ क्लिप्स आप लोग देख लीजिए। ये इतने बड़े आर्टिस्ट है ना सारे के सारे, मैं इनके म्यूजिक से इंस्पिरेशन लेता हूं। इनसेन टैलेंट जो यहां पे खड़ा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस न्यूज़। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।